दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आरपीएफ की आंसर शीट आ चुकी है, तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आप आरपीएफ की आंसर शीट कैसे देख सकते हैं। दोस्तों सभी ग्रुप की आंसर शीट आ चुकी है, तो सबसे पहले आपको जाना होगा गूगल पर। तो हम अपने गूगल पर चले जाते हैं। उसके बाद आपको गूगल पर जाने के बाद सर्च करना होगा आरपीएफ कॉन्स्टेबल। मैंने सबसे ऊपर सर्च कर रखा है आरपीएफ कॉन्स्टेबल, तो हम इसको सर्च कर लेते हैं। तो दोस्तों इसको सर्च करने के बाद आपके सामने सबसे ऊपर एक वेबसाइट का नाम आएगा, जिसका नाम है constable.rpfonlineregistration.org, यानी आरपीएफ रिक्वायरमेंट 2018 इस पे लिखा हुआ है। तो यहां से आपको इसको सबसे पहले वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना है। दोस्तों इसको क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर एक नया पेज खुलेगा, तो आपको इसको नीचे को स्क्रॉल करना है, और नीचे को स्क्रॉल करते हुए आपके सामने एक ऑप्शन आएगा व्यू आंसर शीट। तो आपको व्यू आंसर शीट पे यहां क्लिक कर देना है। तो दोस्तों व्यू आंसर शीट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर कुछ ऑप्शन आएंगे, जहां आपको नीचे को स्क्रॉल करते हुए जाना है और आपको सेलेक्ट करना है कि आपको ग्रुप सी की देखनी है या ग्रुप डी की। आपको अगर ग्रुप सी की देखनी हो तो ग्रुप सी को क्लिक करें, और अगर ग्रुप डी की आंसर शीट देखनी हो तो ग्रुप डी को क्लिक करें। तो यहां से मैं ग्रुप सी को क्लिक कर देता हूं। तो इसको क्लिक करते ही मेरे सामने कुछ ऐसा पेज आएगा। तो अब आपको अपनी इसमें डिटेल्स देनी है। सबसे ऊपर आपको रोल नंबर देना है, फिर आपको डेट ऑफ बर्थ देनी है, फिर आपको देनी है परीक्षा की तिथि, यानी आपका एग्जाम किस तारीख को था। उसके बाद आपको बैच देना है अपना, ठीक है। उसके बाद आपको ये वाला जो सबसे नीचे DVPG ऐसा कुछ आपके सामने आएगा, ये आपको यहाँ डाल देना है। और सबसे लास्ट में आपको कर देना है सबमिट पे क्लिक। तो जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आंसर शीट आपकी आ जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों आप आरपीएफ के आंसर शीट देख सकते हैं। और इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।